नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुक करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर का। कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक विधायकों के दल बदलकर बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर अब कमजोर संगठन को लेकर सवाल उठना तेज हो गया है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने लिखा है कि अभी वक्त खुद को नेता बनाने का नहीं बल्कि पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने का है। वहीं उमंग सिंगार ने इस बात का भी जिक्र किया है कि पार्टी के अंदर सामंतशाही और राजशाही हावी है, जबकि अभी पार्टी में कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। वहीं उमंग सिंगार के बयान का पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी समर्थन किया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने माना है कि जिला स्तर पर कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है, पार्टी को संगठन पर ध्यान देना होगा। पार्टी में कोई कमी है तभी विधायक दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाने का काम कर रहे हैं। पार्टी नेताओं को भाईचारा और व्यवहार के जरिए विधायकों को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से विधायकों के दल बदलने का सिलसिला तेज है, उसके बाद पार्टी के अंदर ही नेता अब कमजोर संगठन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बात को भी लेकर है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व क्या बेहद कमजोर है या फिर वो विधायकों को रोक पाने में विफल साबित हो रहा है। भोपाल में नाबालिग बच्चियों से रेप के आरोपी प्यारे मियां की कॉल डिटेल खंगाली जाएगी तो कई बड़े राज खुलेंगे। राष्ट्रीय बाल आयोग ने मांग की है कि आरोपी की कॉल डिटेल की जांच की जाए ताकि वो नाम सामने आए जो कि अभी तक बच रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग ने पुलिस को नोटिस देकर विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। आयोग ने पुलिस से पूछा है कि इस मामले में फोरेंसिक जांच कराई है या फिर नहीं। आरोपी के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर अन्य बच्चों की पहचान की जाएगी, साथ ही उन नामों को भी उजागर किया जाएगा जिन्होंने आरोपी की मदद की है। पुलिस की मिली भगत भी इस पूरे मामले में सामने आई थी, ऐसे में काफी अहम हो जाती है ये कॉल डिटेल। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि इसके लिए एसपी साउथ को 10 दिनों के अंदर प्रतिवेदन देने के लिए समय दिया गया है। आरोपी प्यारे मियां को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात किसी से छुपी नहीं है। कल आरोपी कोर्ट पुलिस की कैप पहनकर निकला था। आरोपी जब मीडिया के सामने आए तो पुलिस ने उसकी कैप छीन ली, लेकिन अब आरोपी के कॉल डिटेल की जांच की जाएगी तो कई बड़े खुलासे होंगे। कोरोना के असर के चलते पर्यटन निगम के कर्मचारियों के वेतन में 15 से 40 फीसदी की कटौती की गई है। कटौती 1 जुलाई से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। कोरोना संक्रमण के चलते पर्यटन निगम का व्यवसाय पूरी तरह से बंद है। करीब 4 महीने से व्यवसाय पर असर पड़ा है और यही वजह है कि पर्यटन उद्योग में मंदी के चलते ही नियमित कर्मचारियों के वेतन में 1 जुलाई से 31 मार्च 2021 तक कटौती जारी रखने का फैसला किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में 50 फीसदी की कटौती की जाएगी। पर्यटन निगम के संचालक मंडल की बैठक में कर्मचारियों के वेतन कटौती का फैसला लिया गया है। कर्मचारियों के वेतन कटौती का आदेश 1 जुलाई से लागू भी किया जा चुका है। हालांकि पर्यटन निगम की एमडी का कहना है कि काटी गई राशि का भुगतान कर्मचारियों को साल 2021 और 22 में किया जाएगा। पर्यटन निगम के कर्मचारियों के वेतन में कटौती उनके वेतन के हिसाब से किया जाएगा। प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 40 फीसदी तो द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 30 फीसदी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 20 फीसदी की कटौती तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी की कटौती की जाएगी। वेतन कटौती का असर पर्यटन निगम के करीब 500 कर्मचारियों पर पड़ेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों से 15 दिन काम लेकर केवल 15 दिन का ही वेतन भुगतान किया जाएगा। पर्यटन निगम में 1700 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं और 50 फीसदी कर्मचारियों की सेवाएं फिलहाल समाप्त कर दी गई हैं। लॉकडाउन के चलते रेस्टोरेंट होटल रिजॉर्ट पूरी तरह से बंद पड़े रहे और यही वजह है कि इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि पर्यटन विकास निगम की एमडी का कहना है कि कर्मचारियों के वेतन में जो कटौती की जा रही है उसका भुगतान 2021 में किया जाएगा। 12 समान किस्तों में किया जाएगा, लेकिन इस पर उन्हें किसी तरह का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। फिलहाल भुगतान किया जाएगा या नहीं ये तो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल वेतन कटौती से कर्मचारियों में असंतोष जरूर नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में कोरोना बम फूटने का सिलसिला लगातार जारी है। आज 140 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सीआईडी में पदस्थ पीपी गौतम की कोरोना से मौत की खबर भी सामने आई है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार 5 गुनी तेज हो गई है। इसका सबसे ज्यादा असर राजधानी भोपाल में दिख रहा है। भोपाल में लगातार तीसरे दिन सैकड़ा भर से ज्यादा यानी 140 मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से एक और पुलिस अफसर की शुक्रवार शनिवार के दरमियान रात मौत हो गई। पुलिस मुख्यालय में सीआईडी शाखा में पदस्थ
सीआईडी के डीएसपी पीपी गौतम की चिरायू अस्पताल में मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दो दिन पहले उन्हें चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके रिटायरमेंट का अभी एक साल बचा हुआ था। इससे पहले इंदौर और उज्जैन के दो टीआई की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस दुख की घड़ी में परिजनों को हिम्मत दे भगवान, और साथ ही साथ उन्होंने गौतम के परिवार को अब मध्य प्रदेश का परिवार बताया है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और आज विस्तृत रूप से हमने समझा कि किस तरीके से इसका निर्माण कार्य चलेगा। आप देख सकते हैं जो यहाँ प्रेजेंटेशन चल रहा है, दरअसल ये किस तरीके से पूरा फ्लाईओवर रहेगा। करीब 6 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, 758 करोड़ की लागत है और 2023 तक ये बनकर तैयार होगा। तमाम चीजें इसमें निहित की गई हैं। पहला सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज भी जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन को हमने समझा है, खुद राकेश सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से ये होगा। दमोह नाका से होते हुए मदन महल तक करीब 6 किलोमीटर लंबा ये पूरा जो फ्लाईओवर है वो रहने जा रहा है। बेशक लंबे समय से इसका इंतजार था, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा करी थी और ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं इसमें विस्तृत रूप से आज समझा है कि किस तरीके से इतना बड़ा ये जो विकास कार्य होगा। बेशक एक गौरव की बात है संस्कारधनी जलपुर के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का फ्लाईओवर इसका तमगा जो है वो इसे दिया गया है। और किस तरीके से इसकी डिजाइन है, ये पिलर्स आप देख सकते हैं, एक नई अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से इसका जो निर्माण है वो यहाँ पर किया जाना है। तो क्या क्या इसकी खासियत होगी, इस तमाम जानकारी को आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने समझा। और बेशक 3 सालों के अंदर ये जो सबसे बड़ा फ्लाईओवर का तमगा जो दिया गया है वो निर्मित होगा और 2023 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। रेलवे के क्षेत्र में एक और नया इतिहास देश में बनने जा रहा है। देश में पहली बार सौर ऊर्जा से ट्रेनें चलने वाली हैं। देश में पहला सौर ऊर्जा प्लांट मध्य प्रदेश के बीना में बनकर तैयार हुआ है। एमपी के बीना जंक्शन का नाम जल्द ही देश के इतिहास में लिखा जाने वाला है। बीना में देश का पहला रेलवे सोलर प्लांट बीएचईएल की मदद से बनकर तैयार किया गया है। भारतीय रेल जल्द ही सौर ऊर्जा की मदद से ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी में है, जो भारतीय इतिहास में पहली बार होगा। 25 kV ओवरहेड लाइन से जोड़कर ट्रेनों के संचालन की रेलवे तैयारी में है। बीना में रेलवे की खाली जमीन होने के चलते पिछले साल सांसद राज बहादुर सह ने 1.7 MW सौर ऊर्जा प्लांट का भूमि पूजन किया था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। रेलवे सोलर प्लांट के शुभारंभ की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि केंद्रीय रेल मंत्री शुभारंभ के लिए बीना आ सकते हैं। बार होगा जब सौर ऊर्जा से ट्रेनें न सिर्फ संचालित होंगी बल्कि रेलवे पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। अनलॉक होते शहर इंदौर में अब भी कोरोना संक्रमण बेलगाम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 145 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। अचानक बढ़ते मरीजों के आंकड़ों से प्रशासन के साथ साथ आम जनता के लिए लगातार चिंता बढ़ रही है। दरअसल इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2575 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 145 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई, यानी संक्रमण की दर 5.67% पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर अब तक 116,500 सैंपलों की जांच हो चुकी है। ये लगातार तीसरा दिन है जब मरीजों की संख्या 100 पार कर गई हो। करीब 80 दिन के अंतराल के बाद एक दिन में मरीजों की संख्या 150 के नजदीक पहुंची है। इससे पहले 27 अप्रैल को 165 पॉजिटिव मरीज मिले थे। नए मरीजों को मिलाकर शहर में कुल संक्रमितों की संख्या 5906 पहुँच गई है। पिछले 2 दिनों में 136 और 129 संक्रमित मरीज मिले थे। अभी भी अस्पतालों में 1443 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। शहर में अब तक 4175 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। मेडिकल बुलेटिन में 4 मौतों की भी पुष्टि हुई है। इसके बाद अब तक शहर में 288 मरीजों की कोरोना संक्रमण से जान जाने की पुष्टि भी हुई है। बहरहाल लॉकडाउन से मिली राहत के बाद आम जनता को उम्मीद थी कि अब कोरोना संक्रमण से भी राहत मिलेगी। शहर को धीरे धीरे एहतियात के साथ खोल दिया गया। आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं की भरपाई को देखते हुए तमाम निर्देशों के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहित परिवहन की अनुमति दी गई। लेकिन निरंतर बढ़ रहे कोरोना से प्रशासन और आम जनता अब भी हलाकान है। अब देखना होगा कि प्रशासन की सख्ती के साथ साथ कोरोना से कब तक शहरवासियों को राहत मिलती है। ग्वालियर के शीलनगर इलाके के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का बैनर लगाया है। दरअसल ये लोग सड़क और सीवर की परेशानी से जूझ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर सड़क और सीवर नहीं बनी तो वो इस बार वोट नहीं डालेंगे। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आनंद नगर इलाके में आने वाला शीलनगर इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल
शील नगर में रहने वाले 1000 से ज्यादा घरों के 5000 लोग सड़क और सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। कई दिनों से इन लोगों ने सड़क और सीवर के लिए मंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। दरअसल इस इलाके से प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक है, जो 1.5 साल मंत्री भी रहे हैं, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इन लोगों से सड़क और सीवर बनाने का वादा किया था। हालांकि अभी वादा पूरा नहीं हो पाया और इसी बीच प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। अब लोगों ने सड़क और सीवर की मांग को लेकर जिद पकड़ ली है और कॉलोनी के मेन गेट के बाहर एक बैनर पोस्टर लगा दिए हैं, जिसमें लिखा है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उपचुनाव से पहले अगर उनके इलाकों में सड़क और सीवर बनेगी तभी वो मतदान करेंगे, अन्यथा मतदान का बहिष्कार करेंगे। उपचुनाव के पहले इस तरह की समस्याएं धीरे धीरे सामने आने लगी है। ग्वालियर के पहले ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भी 5000 से ज्यादा लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। ऐसे में अब उपचुनाव में संभावित उम्मीदवारों के सामने इन लोगों का काम कराने की बड़ी चुनौती है। ढिंडोरी के सहपुरा थाने में पदस्थ TI हेमंत बर्वे के खिलाफ एक महिला आरक्षक ने घर में घुसकर छेड़खानी करने एवं मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि महिला आरक्षक की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी TI के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी TI हेमंत बर्वे फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और उचित कार्रवाई का भरोसा जताया है। पूरा मामला बीती देर शाम का है, जहां पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में महिला आरक्षक रहती है। पीड़ित महिला आरक्षक ने बताया कि देर शाम करीब 8 बजे TI हेमंत बर्वे उनके सरकारी आवास में आते हैं और जबरन उनके घर में घुसकर उनके साथ न सिर्फ छेड़खानी करते हैं बल्कि उनके साथ मारपीट भी करते हैं। इस घटना की शिकायत पीड़ित महिला आरक्षक ने कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं जिले के SP संजय सिंह इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी TI के खिलाफ उचित कार्रवाई का भरोसा जता रहे हैं। यह खबर बाबा महाकाल के उन भक्तों को निराश कर सकती है जो मध्य प्रदेश के बाहर रहते हैं। जी हाँ, आज एक आदेश मंदिर समिति और जो महाकाल मंदिर प्रशासन के उनकी ओर से निकाला गया है, जिसमें आदेश में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि मध्य प्रदेश के बाहर से निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उन श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। बताया यही गया है कि कोरोना का जो महामारी है और उज्जैन में लगातार इसका संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण उन लोगों की वजह से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि मध्य प्रदेश के बाहर निवास करते हैं, जिसमें खास तौर पर मुंबई और महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली के भी उन प्रदेशों के नाम दिए गए हैं जहां पर संक्रमण ज्यादा फैला है। तो फिलहाल अभी उन लोगों को यहां पर एंट्री बैन कर दी गई है जो मध्य प्रदेश के बाहर रहते हैं। इसके लिए बकायदा महाकालेश्वर मंदिर समिति ने अपने एप्स और वेबसाइट के माध्यम से भी यह सूचना प्रसारित कर दी है। तो 15 शहर 15 रिपोर्टर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी कुछ और शहरों का हाल बाकी है। वापस हुए प्रवासी मजदूरों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ जो वापस आए हैं तकरीबन 4 लाख से भी अधिक प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार कैंप लगाकर उनको रोजगार देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उद्योग विभाग से लेकर अन्य विभागों को राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि कितने ऐसे मजदूर हैं जो अन्य फैक्ट्रियों में जो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे थे वो बाहर चले गए हैं और कितने ऐसे मजदूर हैं जो अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ वापस हुए हैं। ऐसे मजदूरों का आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए उद्योग विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। जिस तरह से राज्य सरकार ये चाहती है कि कैंप लगाकर सभी प्रवासी मजदूरों को उनको रोजगार दिया जाए, तो ये माना जाए कि आने वाले समय में जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आए हैं उनको बहुत जल्द रोजगार मिल पाएगा और अपने पैरों पर वो खड़े हो पाएंगे। रायपुर के मंगल बाजार का इलाका सील कर दिया गया है। राजधानी में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो मामले आए हैं वो मंगल बाजार आमापारा इलाके से आए हैं, जिसके बाद से इस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन तो घोषित किया गया ही है, साथ ही यहाँ पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और देखिए कि एक बार सैनिटाइज भी इस पूरे इलाके को किया गया है। लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कुछ मरीज ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें एम्बुलेंस लेने पहुंचेगी। कल से रिपोर्ट कई मरीजों की आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब तक मरीजों को लेने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची है।
राजधानी में जब इस तरह के हालात हैं तब आप समझ लीजिए कि बाकी जगहों पर क्या स्थिति होगी। जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि अभी हालात जो है कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया है। एम्स और जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल अस्पताल है, वहीं ज्यादातर मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए और सुरक्षा कारणों को लेकर के पुलिस के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौती है। मानपुर ब्लॉक के घुटिया कनार गांव में हम खड़े हैं और यहाँ 35 से 40 जो प्रधानमंत्री आवास हैं उन घरों की स्थिति दयनीय है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास तो बनाया गया है लेकिन उसमें मवेशी रह रहे हैं या तो ग्रामीण उसमें और घर का सामान रखने के लिए उसे स्टोर रूम की तरह यूज़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरा पैसा नहीं मिलने से मकान का निर्माण आधा अधूरा है और ये स्थिति लगभग पूरे गांव में बनी हुई है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो चुका है, दूसरा निर्माणाधीन है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो प्रधानमंत्री आवास का जो गांव है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। और ये हम आपको बता दें कि ये जिला मुख्यालय का अंतिम गांव है, यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर लगता है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, जिसके कारण अधिकारी यहाँ जांच में नहीं पहुँच पाते और भर्रासाई इस कदर हावी है कि ग्रामीण कुछ कह भी नहीं पाते हैं। राकेश यादव, न्यूज 18, राजनांदगांव। कोरबा में अब फिर शहर के बीच से भारी वाहनों का गुजरना शुरू हो गया है। प्रशासन ने फिर संशोधित आदेश जारी करते हुए रूट को परिवर्तित कर दिया है। संयुक्त टीम ने सड़क मार्ग का निरीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। कलेक्टर ने जारी संशोधित आदेश में अब जो है भारी वाहन CSB चौक होते हुए उर्गा की तरफ और रायगढ़ की तरफ जो है वो रवाना होंगे। इससे आशंका फिर जताई जा रही है कि शहर के बीच से गाड़ी भारी वाहनों के गुजरने से सड़क दुर्घटना की आशंका बढ़ेगी। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी CSB चौक के पास ही एक महिला अधिवक्ता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। उसके बाद से प्रशासन ने इस मार्ग को प्रतिबंधित कर दिया था लेकिन अब फिर से इस मार्ग को खोलने के बाद अब भारी वाहन शहर के बीच से गुजरेंगे तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक का जो दबाव है वो बढ़ेगा और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ी रहेगी। जगदलपुर में फिर से एक बार हवाई सेवा की उम्मीद जो है वो जागी है। कल कलेक्टर रजत बंसल के द्वारा, जगदलपुर के जो कलेक्टर हैं उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था जनसंपर्क के ट्विटर अकाउंट में, उसमें ये जानकारी दी गई थी कि 5 अगस्त से हवाई सेवा जगदलपुर में शुरू हो जाएगी। इसके लिए जो ज़रूरी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। हालांकि ये जो काम है वो एयरलाइंस को दिया गया है और लगभग 1.5 साल पहले एयरलाइंस को टेंडर दिया गया था यहाँ से उड़ान भराने के लिए। उस समय हवाई पट्टी का उतना विस्तार नहीं हुआ था और तकनीकी बहुत सारी खामियां थी जिसे पूरा करने के लिए जो है टेंडर बुलाया गया था जिला प्रशासन के द्वारा। लगभग ये काम अब पूरा हो चुका है और तैयारियां की जा रही हैं यहां से हवाई सेवा को शुरू करने की। हालांकि हवाई सेवा की कई तारीखें एक साल के दौरान कई बार तय हुई लेकिन विमानपत्तन एयरपोर्ट के द्वारा जो है अनुमति नहीं दी गई क्योंकि तकनीकी खामियाँ काफ़ी सारी थी और यही वजह है कि लगातार तारीखें टलती रहीं और लोगों की उम्मीद तो जागती थी लेकिन उसके बाद लोग निराश हो जाते थे। अब माना यह जा रहा है कि 5 अगस्त को जिला प्रशासन जो तारीख तय की है उसके बाद तय समय सीमा में ये उड़ान जो है शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की प्रतीक्षा है क्योंकि अधिकतर लोग जो हैदराबाद की तरफ या रायपुर की तरफ जाना चाहते हैं उनमें अधिकतर संख्या मरीजों की होती है क्योंकि सड़क मार्ग एक विकल्प है बस्तर के पास में और कोई दूसरा साधन नहीं है और यही वजह है कि जब मरीजों को ले जाया जाता है तो कई बार दुखद घटनाएँ भी घटती हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए उन लोगों के चेहरे खुले हुए हैं जिन्हें ज़रूरी काम से या फिर मरीजों को लेकर के हैदराबाद, विशाखापट्टनम या रायपुर जाना होता है। जो तय शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक एक ही। और इसके साथ ही 15 शहर 15 रिपोर्टर में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी।